किसान जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा, इस विचार के साथ आज शीतकालीन अधिवेशन के छठवें दिन राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी का विधान भवन पर धड़क मोर्चा निकाला गया, जिसमें भारी मात्रा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी न्याय मांगों को पूरी करने की गुहार लगाई। किसान बहुजन पार्टी का आज जो है राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी तरफ से मोर्चा निकाला शासन के खिलाफ। शेतकरे का युमा है, शेतकरे नुकसान है, शेतकरे को शेत रस्ता नहीं मिलता, साखर कारखानदारे को काटा मारते, किसान को पैसा नहीं मिलता, रास्ते खराब करते कारखानदारे वाले, साखर कारखानदार तो कामगार है उनके लिए भी परमानेंट नहीं करते, और ये जो मेट्रो बना है अपने इधर तो बाजू वाले के घर है, ये घर वाले को भी कुछ नुकसान होता है। बहुत बाबा साहब का वो अंबाजरी तालाब है, वो भी पीसीकर तालाब उनको मिलना पड़ता है, संस्कृत भवन बनना पड़ता है, इधर अपना आदिवासी का संस्कृत ये करना पड़ता है, सुलभीकरण देखो तो शहीद हुए उधर कुछ भी नहीं, उसका समस्या आंदोलन पर हर बार रहता है, पहले बार से भी आए, आगे भी आंदोलन रहेंगे, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, भोजन के बारे में, आदिवासी के बारे में आंदोलन रहेगा। महाराष्ट्र TV 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर।